तो भगवान शिव इसलिए आनंद में हैं कि भोले बाबा यथार्थ में जीते। वैसे भी कम जंजाल नहीं है, जंजाल तो लदा पड़ा है। गृह का रज नाना जंजाल, ते अति दुर्गम शय। यह कथा जो हम आप आज गा रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से हम लोग योजना बना रहे थे। न डॉक्टर साहब सहजावस्था में आते थे और न कथा की चर्चा होती थी। हाँ, कथा सुननी है, सुनानी है, कभी बच्चों को सुनानी है, कभी यहाँ करना है कि तीर्थ में करना है, चर्चा चलती रहती थी हमारी डॉक्टर साहब की। लेकिन ये अब इस बार निश्चय कर ही लिया गया कि कथा को करना ही है। रामलीला कमेटी मैनपुरी ने आग्रह किया, हमने कहा भाई देखो, इस कथा के पहले मैनपुरी की अनेक संस्थाएं तो हम कहते थे कि भाई हमारे मित्र हैं डॉक्टर राममोहन सिंह सुदति ग्लोबल एकेडमी वाले, जब उनको समय मिलेगा तो कथा करेंगे, अभी आप वहीं सुनना, अभी हमारे पास समय, टाल लेते थे। क्योंकि कथा जब परमात्मा चाहते हैं तभी करने कराने देते हैं, जीव के बस का बहुत कठिन है। कई लोग बहुत वर्षों से चाह रहे हैं हम भी कथा सुन लें। अब तो एक नई परिभाषा लोगों ने निकाला है, अब हम गरीब लोग आपकी कथा कहां करा पाएंगे, ये बेमतलब की बातें। भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, आदमी मानसिक गरीब होता है, उसने सबको अमीर बना के भेजा है। ऐसा कौन आदमी है जिसके दो आंख नहीं है? दो आंख नहीं है तो कान होगा, कान नहीं होगा हाथ होगा। जिसके सारे अंग पुष्ट हैं वो आदमी अरबपति है, क्योंकि एक एक अंग की बड़ी कीमत है साहब। गरीब मान करके मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, जो मन से गरीब है केवल वही गरीब है। भगवान की कथा भक्ति भाव उपस्थित होने पर सहज ही प्राप्त हो जाती है, सबको सुलभ है। बाबा ने तो पहले ही लिखा है, सब ही सुलभ सब दिन सब तेरे सेवत सादर समन कर ले। आप देखिए, सेवा करने मात्र से अर्थात श्रवण करने मात्र से सारे क्लेश शांत हो जाते हैं। बाबा कैलाश के दिव्य शिखर पर विराजमान है, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन ननन विशाल नील कंठ लावण्य दी सोह बाल विदु, बैठे सोह कामरिप कैसे धरे शरीर शांत रस, शांत रस जैसे। बाबा शांत भाव में उपस्थित हैं। इतने में मां भगवती ने दर्शन किया बाबा का, और वो स्वामी जी की पंक्ति देखिए, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, मातु भवानी जानी प्रिया आसरुवती।
भगवान शिव साधना में प्रविष्ट करने की यात्रा पर रहे। अब दो लोग हों घर में, अब उसमें एक साधक हो गया तो दूसरे के लिए तो बाधक हो जाएगा। देखिए कथा बड़ी अच्छी बात कहती है कि गृहस्थ आश्रम को कैसे जीना चाहिए भी एक विधा है। गृहस्थी को जीना सरल नहीं है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं धन्यो गृहस्थाश्रम। जिसको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, सन्यास व्रत का पालन करना है, वानप्रस्थी बन जाना है युवावस्था में, उसको गृहस्थ नहीं होना चाहिए। और जो गृहस्थ हो गया उसको फिर और सब नहीं, इसी में सब होना चाहिए। गृहस्थी कैसे मंगल में चले, इसी जीवन में सानंद रहना चाहिए। ये जीवन अच्छा नहीं, घर में भया खटपट पहुंचो बाबा के मठ पर, है मठ पर मजवाया बासन तो उठाए घरे चले आए लेके आसन, ये कोई साधुता तो नहीं। क्यों बाबा, पलायनवाद साधुता नहीं है, संघर्ष करो। यात्रा गृहस्थ आश्रम एक संघर्ष यात्रा है, अब आनंद की यात्रा है। बाबा अपनी सहजावस्था में बैठे, सहज ही बैठे बैठे सहज ही शंभुक कृपाला, मेरी माँ जानी की अब यदि समाधि में चले गए तो, इसलिए माँ पहुंची चरणों में प्रणाम की, अपने कुछ प्रश्न किए। हे विश्वनाथ, हे नाथों के नाथ, प्रभु सर्व समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण दान, ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प करुणा। बाबा सर्व सामर्थ्यवान है, अष्टांग योग के आप प्रणेता हैं, सभी तत्वों के खजाना आप हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है। जो दाता है वो भी यही है, एकादश रुद्र समन्वित स्वरूप। तो हे नाथ, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो दीनता का दुख क्यों सहेगा? जिसके पास काम धेनु है उसकी कोई कामना अधूरी कैसे रहेगी? इसलिए प्रभु मेरे कुछ प्रश्न है, उनका आप समाधान करें। प्रश्न क्या है? हथियार पोछो सुर रघुपति कथा कहो प्रथम सुकारण कहो विचारे निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी उन प्रभु कहो राम अवतारा बाल चरित पुनि चौदह प्रश्न कहो यथा जानकी पिपाही राज प्रजा सो दोषण राज सकल संत राज बहुर कहु करुणा यतन कीन है जो अचरज राम प्रजा सहित हिम गवन
प्रजा सहित रघुवन सुमनि किम गवन्ने